नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आपको होली से पहले एक खास काम के बारे में बताएंगे, जिसे करने से आपके घर पर आ रही सभी समस्याएं और आर्थिक समस्याओं से निजात पाया जा सकता है। दोस्तों, अगर आप भी एक हिंदू है और होली का त्यौहार आपको पसंद है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी को ज़रूर दबाएं, ताकि आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आती रहे। दोस्तों, हर त्यौहार का अपना एक रंग होता है, जिसे आनंद और उल्लास के साथ मनाया जाता है। होली भारत में मनाया जाने वाला प्रमुख त्यौहार है। इस बार होली दोस्तों 20 मार्च को आ रही है। इस दिन हर कोई बड़े बूढ़े दोस्तों रिश्तेदारों को प्यार भरे संदेश भेजते हैं। रंग उमंग के त्यौहार होली में दोस्तों अभी कुछ दिन बाकी है। अगर हम होली आने से 8 दिन पहले से एक खास काम करें तो हमारे ज़िंदगी में आ रही सभी समस्याएं खत्म हो सकती है। दोस्तों, होली बुराई के ऊपर अच्छाई की जीत होती है, और इसी त्यौहार होली इसी चीज़ को दर्शाती है। सर्दियां ख़त्म और बसंत के आने की खुशी यही त्यौहार देता है। मार्च के महीने में पूर्णमासी की रात के अगले दिन ये त्यौहार मनाया जाता है, लेकिन एक दिन पहले ये त्यौहार पश्चिम बंगाल में और ओडिशा में मनाया जाता है। दोस्तों, होली का त्यौहार हर प्रकार के उपाय करने के लिए सबसे बेहतर दिन होता है। मार्च के दिन, फागुन मास के ये दिन जो होते हैं दोस्तों, इसमें दिनों में किसी भी प्रकार की कोई भी उपाय किए जाए, तंत्र क्रियाएं, मंत्र क्रियाएं, कोई भी उपाय टोने टोटके, वो बहुत जल्द अपना असर दिखाते हैं, और ये जो समय होता है ये इनके लिए अनुकूल होता है। अगर दोस्तों हम होली से पहले कुछ खास उपाय कर लें तो उन उपायों का हमें बेहतरीन जो है उसका लाभ मिलता है और असर देखने को मिलता है। दोस्तों, अगर आप अपना कोई भी काम लगातार मेहनत कर रहे हैं, आप अपनी पूरी कोशिश, अपनी पूरी क्षमता उसमें झोंक रहे हैं, लेकिन आपकी पूरी मेहनत और क्षमता लगाने के बावजूद आपको अपने कार्य का फल नहीं मिल पा रहा है, या फिर यूँ कह दीजिए कि जितनी आप मेहनत कर रहे हैं उसका आधा भी आपको नहीं प्राप्त हो रहा है, दोस्तों ऐसी स्थिति में व्यक्ति परेशान हो जाता है और व्यक्ति निराश होने लगता है। तो दोस्तों, आपको निराश नहीं होना है। होली से 8 दिन पहले होलाष्टक शुरू हो जाते हैं, और मैं आपको बता दूं कि ये होलाष्टक महत्वपूर्ण क्यों होते हैं। दोस्तों, होलाष्टक के पीछे एक कथा है। होलाष्टक को लेकर ये कथा है कि प्राचीन समय में दैत्यराज हिरण्यकश्यप का पुत्र प्रहलाद भगवान विष्णु का भक्त था, इसीलिए दैत्यराज हिरण्यकश्यप ने उस समय फाल्गुन शुक्ल पक्ष की अष्टमी से भक्त प्रहलाद को बंदी बना लिया था और तरह तरह की यातनाएं दी गई थी। इसके बाद पूर्णिमा पर होलिका ने प्रहलाद को जलाने का प्रयास किया था, लेकिन होलिका समय ही जल गई और प्रहलाद बच गए। होली से पहले इन 8 दिनों में प्रहलाद को यातनाएं दी गई थी, लेकिन प्रहलाद भगवान विष्णु का ध्यान करता रहा और उसे भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा प्राप्त हुई थी। तो दोस्तों, ये जो 8 दिन होते हैं, इन 8 दिनों में अगर हम कुछ खास उपाय करें तो हमें भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त हो जाती है। तो आपको करना क्या है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। होली से 8 दिन पहले आपने हर रोज़ होली आने तक ये उपाय करना है। आपने रोज़ सुबह जल्दी उठ जाना है, और सुबह जल्दी उठते वक्त अपनी दोनों हथेलियों को देखना है। उसके बाद आपने भगवान विष्णु श्री हरि विष्णु के मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, इस मंत्र का 108 बार जाप करना है। दोस्तों, ये जो आप कार्य कर रहे हैं
ये कार्य आपने जोड़े में करें तो आपको बहुत ज़्यादा लाभ देखने को मिलता है, यानी कि पति और पत्नी दोनों मिलकर इस कार्य को अगर लगातार करें तो आपको बहुत ही ज़्यादा लाभ मिलने वाला है। दोस्तों, इसके बाद जब आप भगवान विष्णु का मंत्र पढ़ते हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, और उसको 108 बार जपना है, उसके बाद आपने स्नान आदि कर देना है, अपने रोज़मर्रा के कार्य से निवृत्त हो जाना है और स्नान वगैरह करके एकदम स्वच्छ हो जाना है, और उसके बाद आपने भगवान श्री हरि विष्णु के किसी मंदिर में जाना है 8 दिन तक लगातार, और भगवान श्री हरि विष्णु को केले का भोग लगाएं, केले और हलवे का भगवान श्री हरि विष्णु को भोग लगाएं। उसके साथ ही पति और पत्नी दोनों विष्णु जी के साथ ही माता लक्ष्मी की भी पूजा जरूर करें। 8 दिन तक भगवान विष्णु जी को माखन और मिश्री का भी भोग जरूर लगाएं। और दोस्तों, भगवान विष्णु जी के सामने एक देसी घी का दीपक लगाकर आपकी जो भी इच्छा हो, आपकी जो भी मनोकामनाएं हो, वो हाथ जोड़कर पति पत्नी दोनों भगवान श्री हरि विष्णु को बता दें। ऐसा करने से दोस्तों, भगवान श्री हरि विष्णु आप पर अत्यंत ही प्रसन्न होते हैं और आप पर आ रही विभिन्न प्रकार की विपत्तियों को दूर करते हैं, साथ ही आपकी ज़िंदगी में आ रही आर्थिक समस्याओं को भी ख़त्म कर देते हैं और आपके घर पर सुख समृद्धि और भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी का निवास होता है, जिससे हर तरफ आपको खुशहाली देखने को मिलती है। इसके साथ ही दोस्तों, आपने 8 दिन तक रोज़ शाम के समय एक खास उपाय करना है। रोज़ 8 दिनों तक शाम होने के बाद आपने स्वच्छता पूर्वक भगवान श्री हनुमान जी के मंदिर में जाना है। ये पति भी कर सकता है, ये कार्य अकेला पति भी कर सकता है। हनुमान मंदिर में जाकर मंदिर में एक तेल का दीपक भगवान हनुमान के सामने लगा देना है। दोस्तों, उसके बाद दीपक लगाने के बाद आपने हाथ जोड़कर जय श्री राम नाम का 108 बार जाप करना है हनुमान जी के सामने। 108 बार जाप करने के बाद आपकी जो भी मनोकामना हो, जिंदगी में आ रही समस्याएं हो, वो संकट मोचक को बता देना है। आपकी ज़िंदगी में आ रही विभिन्न प्रकार के संकटों से भगवान हनुमान आपको बचाते हैं, साथ ही ज़िंदगी में आ रही बाधाओं को भी दूर कर देते हैं, जिसके कारण आपका कार्य बनने लगता है। आपके घर की आर्थिक स्थिति जो होती है, वो धीरे धीरे सुधरने लगती है। दोस्तों, होली से पहले जो 8 दिन होते हैं, जिन्हें हम होलाष्टक कहते हैं, ये दिन भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। इन दिनों में अगर ये उपाय कर लिए जाए दोस्तों, तो यकीन मानिए भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा आपको अवश्य ही प्राप्त होती है, और उसके साथ साथ भगवान हनुमान जी की पूजा करने से ज़िंदगी में आ रहे संकटों से भी आपको मुक्ति मिलती है, साथ ही आपको मतलब बाधाएँ आ रही है, आपका व्यापार में जो कार्य बनता बनता बिगड़ रहा है, वो भी ख़त्म हो जाता है। तो दोस्तों, ये थे होली से पहले होलाष्टक का एक खास उपाय। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखकर हमें ज़रूर भेजें, और दोस्तों इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना है, और इस वीडियो को अगर आपने शेयर नहीं किया है तो इस वीडियो को एक बार शेयर ज़रूर करें, ताकि दूसरे लोगों को भी इसका फ़ायदा पहुंचे। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी को